गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वेलकम इन योर बायो क्लास. सो टुडेज टॉपिक इज व्हाई डू वी फॉल इल. इट इज वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक इन अवर वीडियोज, लास्ट वीडियोज. टुडेज इज रिविजन वीडियो, व्हाई डू वी फॉल इल. सो बिफोर स्टार्ट टुडेज टॉपिक, वी जस्ट अगेन एक्सप्लेन यू COVID-19 बिहेवियर. सो स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल दिस टाइम नो वैक्सीन इज देयर. So protect from COVID or protect from COVID to you and your family, you should follow some instructions. First, wear mask. Secondly, don't go in crowded place or avoid going in crowded place. Third one is always use sanitizer time to wash your hands. So these three instructions is actual vaccine to protect yourself from COVID-19. Thank you, student. Now we will start today's topic. Why do we fall ill? So it is related. It is health related topic. So what is the basic concept of why do we fall ill? So we will discuss why do we fall ill or basic concept by flowchart. So this is what is health. Health is state of being well enough to function physically, mentally and socially well is called health. Conditions for good health. एक good health के लिए क्या क्या condition होना चाहिए? First one is balanced diet, public cleanliness, social equality and harmony. Next one is personal hygiene. तो social equality and harmony, ये health को कैसे, ये आपकी mental health को जो है वेल करता है. ठीक है, फेलियर ऑफ हेल्थ. हेल्थ का फेलियर क्यों होता है? इट इज़ रिलेटेड टू डिजीज़. डिजीज़ क्या है? व्हाट इज़ डिजीज़? द इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स ड्यू टू वन और मैनी रीजन्स. जब किसी तरीके सॉरी इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, जब बॉडी ऑर्गन्स की इन प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, देर आर सो मैनी रीजन्स टू इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. सो what is the cause of disease? So we will define disease in different categories. First, cause of disease. Second, based on duration or based on cause. The first, cause of disease. सबसे पहले हम disease को दो main branch में और दो main part में classified करेंगे. First one is causes of disease. Causes of disease में आ जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज़ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. एक्सटर्नल फैक्टर में क्या हो सकता है? माइक्रोब्स, इन एडिक्वेट फूड सप्लाई, पॉल्यूशन, एल्कोहल एंड ड्रग्स एडिक्शन. दीज आर द फोर वे जो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के फॉर्म पर यूज़ हो रहे हैं और हमारी डिजीज़ को अफेक्ट करते हैं. आई विल अगेन रिपीटेड. फर्स्ट वन इज़ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. सेकेंड, इन एडिक्वेट फूड सप्लाई. थर्ड वन, पॉल्यूशन. फोर्थ वन, एल्कोहल एंड ड्रग्स यूज. इंटरनल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर, इट मे बी डिफरेंट टाइप. फर्स्ट वन इज जेनेटिक डिसऑर्डर. सेकेंड वन, इनप्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो कैसे होते हैं, हमें जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते हैं, हेरिडिटरी नेचर के होते हैं एंड क्रोमोसोम्स के फॉर्म पर जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं. तो यदि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इट विल बी इंक्लूड इन इंटरनल फैक्टर. सेकेंड वन, इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. बॉडी ऑर्गन का यदि फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, दीज आर द कॉज ऑफ डिजीज, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर. सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, इट इज डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ टाइम और बेस्ड ऑन कॉज. कितने टाइम से वो डिजीज हो रही है, बेस्ड ऑन कॉज, जो कॉज्ड के ऊपर बेस्ड है. This is the other type of classification. So based on duration and based on cause, there are, based on duration there are two type of disease. First one is acute disease. Second one is chronic disease. Acute disease that lasts for short period only, जो कि सिर्फ थोड़े से समय के लिए होती है, it is acute disease. Like second, just common cold वगैरह. ठीक है, does not cause major effect on general health. और ये चूँकि थोड़े टाइम के लिए होती है, टाइमिंग होती है, ठीक है ना, हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होती है, ठीक है, वेदर से रिलेटेड होती है, तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होती है एंड इससे हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा क्रोनिक और सीरियस इफेक्ट नहीं होता है. क्रोनिक डिजीज़. क्रोनिक डिजीज़ आर दोज डिजीज़ विच आर वेरी लॉन्ग पीरियड, समटाइम्स
इवेंट फॉर लाइफ टाइम, जो कि बर्थ से हो रही है, क्रोनिक डिजीज़, बर्थ मेरी कोई डिसऑर्डर है तो वो पूरे होल लाइफ है, दिस इज़ क्रोनिक डिजीज़। एग्जाम्पल्स एलिफेंटियसिस, एक एग्जाम्पल्स लिया है एलिफेंटियसिस, ये यदि एक बार स्टार्ट हो गया तो ये लंबे समय तक चलता है। हैव ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, और ये क्या करता है आपकी हेल्थ पर लंबे समय तक धीरे 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 इंजर्ट करता जाता है, और बॉडी जो धीरे धीरे डिटोरिएटेड होती जाती है। दिस इज टू टाइप ऑफ डिजीज वी हैव क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन बेस्ड ऑन कॉजेज, जो कॉज के ऊपर बेस्ड है, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन टू टाइप ऑफ डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो कॉज के ऊपर बेस्ड है। इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज डिजीज विच स्प्रेडेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास आउट हो रही है। कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, बहुत सारे इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं लाइक कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज डिजीज विच कैन नॉट स्प्रेड, इट इज़ नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन एंड कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इंटरनल फैक्टर लाइक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पर, बॉडी के ऑर्गन्स पर, जेनेटिक डिसऑर्डर पर, जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, ठीक है। कैंसर इज़ ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मिलिटीज, हाई ब्लड प्रेशर इज़ ड्यू टू एक्सेसिव वेट। ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो पर्सन टू पर्सन उसके स्पेसिफिक नेचर पर होते हैं, ठीक है, उसके इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज को अगेन वी विल क्लासिफाइड इन डिफरेंट मैनर। फर्स्ट वन इज इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू, मीन्स ऑफ स्प्रेड के थ्रू, ठीक है, दीज आर द टू। ट्रीटमेंट, किस तरीके का ट्रीटमेंट उनको देना है और प्रिवेंशंस कैसे होना चाहिए। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो वायरस के थ्रू हो रही है, देयर आर सो मैनी माइक्रोब्स आर देयर विच आर मेन पैथोजेंस, एंड दीज पैथोजेंस आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शियस डिजीज। दीज आर वायरस डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोआ डिजीज एंड वॉर्म्स डिजीज। देयर आर फाइव टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स और पैथोजन थ्रू वायरस। वायरस इज द डिजीज विच इज कॉज्ड और विच इज रिस्पॉन्सिबल बाय वायरस। इट इज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, फीवर, एड्स। सेकेंड वन इज बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज इज टाइफाइड, क्लोरेला, ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रॉक्स। नेक्स्ट वन इज फंगी डिजीज, इट इज स्किन इन्फेक्शंस, प्रोटोजोआ डिजीज, मलेरिया, कालाजार, ठीक है, वॉर्म्स डिजीज, एलिफेंटियसिस। सो माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड इन फोर कैटेगरीज। यू हैव टू लर्न वायरल डिजीज, वन और टू एग्जाम्पल्स ऑफ वायरल डिजीज, वन और टू एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, देन फंगल डिजीज, देन प्रोटोजोआ डिजीज, देन वॉर्म्स। मीन्स ऑफ स्प्रेड, अब किस तरीके से स्प्रेड होते हैं इसके बेस पर भी इनको क्लासिफाइड किया है। सो देर आर बाय एयर, व्हेन इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड बाय एयर, व्हेन इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड बाय वाटर, व्हेन इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट्स, व्हेन वेक्टर्स। व्हाट इज वेक्टर्स? वेक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैरीड pathogens from healthy that carried pathogens and transmit in healthy person like mosquito, it is called as vector. Mosquito is not cause of malaria, but it's carry on malaria pathogens. Clear student? So air ke through hone wala disease hai common cold, pneumonia and tuberculosis. Water ke through disease so स्प्रेड होती है, इट इज टाइफाइड एंड क्लोरेला। नेक्स्ट वन फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, जो फिजिकली कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हो रही है, इट इज सिफिलिसिस एंड एड्स। नेक्स्ट वन वेक्टर के थ्रू, इट इज एनिमल इंसेक्ट्स के थ्रू हो रही है, मलेरिया एंड डेंगू। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्प्रेड।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बेस पर. तो व्हाट इज ट्रीटमेंट, सो वी डिफाइन ट्रीटमेंट जस्ट लाइक दिस, बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज प्रोवाइड सिम्टम्स डायरेक्टेड ट्रीटमेंट. ठीक है, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि वही रिड्यूस करते हैं, मतलब डिजीज होती है, डिजीज़ के इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट कैसा है, एक रीज़न तो होता है कि ट्रीटमेंट का सिम्टम्स देखा और फिर उस सिम्टम्स को डायरेक्टली ट्रीट करते, जैसे भाई जो बॉडी में जैसे चिकत्ते आ रहे हैं या वो हो रहा है, क्या हो रहा है, स्किन में कुछ रैशेज आ रहे हैं, ठीक है ना, या टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो डायरेक्ट उसको दूर किया जाता है. एक ट्रीटमेंट तो हो गया कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको दूर करना. सेकेंड ट्रीटमेंट होता है बाय किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, क्या माइक्रोब्स को ही किल कर देना, ये इसमें बेसिकली आ रहा है. एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना, ठीक है, और वैक्सीन का यूज़ करना, ये बेसिकली क्या होते हैं, माइक्रोब्स को किल करने वाले ट्रीटमेंट है. नेक्स्ट प्रिवेंशंस, या हम प्रिवेंशंस भी करके इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़ को अपने से दूर कर सकते हैं. तो जनरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सपोजर्स, फर्स्ट प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवरक्राउडेड, ठीक है, वो ओवरक्राउडेड नहीं होना चाहिए प्रिवेंशंस में. सेकंड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक हाइजीन को ध्यान रखना है. प्रोवाइड प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन, दिस इज जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन. सेकंड है स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशंस, इट इज इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, मींस टेक्निक्स टू स्ट्रेंथनिंग डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन. सेकेंड, वैक्सीनेशंस, एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ वैक्सीन टू स्टिमुलेट द इम्यूनी सिस्टम अगेंस्ट माइक्रोब्स इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन. सो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट हेल्थ. यू हैव टू फॉलो दिस फ्लो चार्ट्स. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस फ्लो चार्ट्स यू आर एबल टू डू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ आई विल एक्सप्लेन सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाट इज कम्युनिकेबल हेल्थ, ना कम्युनिकेबल हेल्थ के क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है. सो इट इज़ पर्सनल हाइजीन अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट सर्विस फॉर द इम्पोर्टेंट ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी. व्हाट इज WHO, स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी मतलब WHO के एक नॉर्म्स होते हैं और उन नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने हेल्दी और नॉन हेल्दी पर्सन को डिफाइन किया हुआ है और टाइम टू टाइम उनको क्या प्रिकॉशंस देना है किसी डिजीज़ के लिए. WHO टाइम टू टाइम उसको उसका नोटिफिकेशंस देता रहता है. हाउ कैन dehydrations of the body of the preventions, dehydrations can be prevented by intake of ORS. generally कभी कभी dehydrations के लिए एक solution दिया जाता है, it is oral rehydration solution, ORS, oral rehydration solution. classified disease on the basis of time of occurrence, मतलब कितनी देर के लिए कोई डिजीज़ बॉडी में रहती है इसके बेस पर क्लासिफिकेशन. तो देर आर टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्रोनिक जो ऑक्यूरेंस के हिसाब से है, कॉन्जेंशनल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज. व्हाट इज कॉन्जेंशनल डिजीज, द डिजीज विच आर प्रेजेंट फ्रॉम टाइम ऑफ बर्थ, और हेरिडिटरी आर कॉल्ड जो डिजीज बर्थ से हो रही है, इनबॉर्न है और कंटिन्यूसली आगे प्रोसीड हो रही जनरेशन टू जनरेशन, इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्जेंशनल डिजीज. राइट द नेम ऑफ डिजीज दैट इज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, लेप्रेसी. लेप्रेसी बेटा एक कुछ स्ट्रोक टाइप का होता है, फिंगर्स में होता है और स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन अपने कलर चेंज करने लगता है, ठीक है, अंदर की सेल्स उसमें क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे गलने लगते हैं. दिस इज द सिम्टम्स ऑफ लेप्रेसी. वायरल डिजीज, नेम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट लाइव एंड रिमेन एक्टिव इनसाइड द होस्ट सेल, वो माइक्रोब्स का नेम बताओ जो कि बॉडी के अंदर वो एक्टिव रहता है, वैसे एक्टिव नहीं रहता, इट इज़ वायरस. जो अभी आजकल जो पैंडेमिक डिजीज वायरस चल रहा है ना, COVID-19, इट इज़ नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट इट इज़ कनेक्टेड
और कनेक्टेड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अपने आप में ये कोई भी एक्टिव नहीं है, बट जैसे ही होस्ट सेल के कॉन्टैक्ट में आता है ये पैथोजेनिक नेचर का हो जाता है. अगेंस्ट व्हाट डिजीज BCG वैक्सीन इज गिवन? ट्यूबरक्लोसिस. व्हाट इज वैक्टर? अभी आप लोगों को फ्लो चार्ट्स के थ्रू वैक्टर टर्म्स को क्लियर कर चुके हैं. द ऑर्गेनिजम्स दैट एक्ट intermediary and carry the infectious agents from sick person to a potential host are called vector. जो sick person से उस person पर ले जा रहा है जिसमें कि उस pathogens को grow होने के लिए potential है, it is called as vector. ठीक है, vector of malaria, anopheles, mosquito. So student, this is some revision. Expand AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Expand HIV, human immunodeficiency virus. ठीक है ना, incubation period क्या होता है, कितने समय तक वो disease body में उसका microbes grow हो रहा है, this is called as incubation period. Hepatitis B का incubation period कितना है, 45 to 185 days. ठीक है, expand OPB, oral polio virus vaccine. ठीक है, नेम द डिजीज विच इज कॉज्ड फ्रॉम प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन, इट इज क्वाशाकोर एंड मैरामस. ठीक है, जो प्रोटीन की कमी से हो रहा है. व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज? बेरीबेरी, कुछ डिजीज हो बेरीबेरी हो रही है विटामिन बी और थायमिन की डेफिशिएंसी से. ठीक है, PEM क्या है? प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PEM? प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन बॉडी का कम होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है? कुछ ना कुछ हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट वर्क है जो कहीं ना कहीं प्रिवेंट हो रहा है. तो क्या वर्क होता है बेटा हीमोग्लोबिन का? इट इज ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड. चूँकि हीमोग्लोबिन ब्लड पर होता है तो पूरे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड के थ्रू ही होता है. आपको पता है ना कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज है और ट्रांसपोर्ट ऑर्गन्स है, पूरे मिनरल्स को न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है. किस जगह से? मतलब रिसोर्स प्लेस से सेल तक, ऑल सेल ऑफ द बॉडी. सेल बॉडी की हर सेल को पूरा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए क्योंकि सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही, प्रोटीन फॉर्म हो रही, तो कंटिन्यूसली एक फूड की सप्लाई की एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो वो ब्लड के थ्रू ही होती है. जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों का ट्रांसपोर्ट जो है वो हीमोग्लोबिन कर रहा है. ठीक है ना, बहुत सारे मिनरल्स का भी विटामिन्स का भी हीमोग्लोबिन और लिम्फोसाइट्स का, दो आपके बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहे हैं, एक लिम्फ सिस्टम एक ब्लड सिस्टम. ठीक है, तो वो दोनों से ट्रांसपोर्ट होता रहता है. हीमोग्लोबिन का मेन कंटेंट्स क्या है? आयरन. अक्सर आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा अपने पेरेंट्स को, उसमें कभी कभी जब बॉडी में आयरन हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसको आयरन का सब्स्टिट्यूट दिया जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन मेनली आयरन से फॉर्म होता है. ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ऐसे कौन से विटामिन्स जो फैट सॉल्युबल हैं? इट इज़ विटामिन ए, विटामिन डी. क्लियर, इसीलिए जब भी आप विटामिन डी वगैरह लेते हो तो उसके साथ के रिक्वायर्ड होता है कि विटामिन उसमें फैट लिया जाए. ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन गाइटर. ठीक है ना, नेक जो स्वेल अप हो जाता है, दिस इज़ द डिजीज़. सो स्टूडेंट, हेयर वी विल फिनिश टुडेज रिवीजन वीडियो. आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.